हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? तो आज का टाइटल देख के पता चल गया होगा हमारे वीडियो किस बारे में होगा। अगर वीडियो है टॉप 10 एक्शन साउथ इंडियन डब मूवीज बेस्ट मूवीज एक्शन, तो ये वही मूवीज है जो अभी तक हिंदी डब होकर आ चुकी है। जो मूवी अभी तक हिंदी डब होकर नहीं है, उन मूवी को वीडियो में शामिल नहीं किए गए। ये वो मूवीज थी जिनको देखने के बाद सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सबका दिल दहल जाता है। इनका है दमदार एक्शन एक्शन सिक्वेंस फाइट सिक्वेंस देख के। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो जिस मूवी में हमने तस्वीर पर रखा है उसका नाम है एनकाउंटर सक्सेस, जिसमें आपको महेश प्रभु देखने को मिलती है। उनके अपोजिट जिसमें तमन्ना भाटिया को देखने को मिलती है, और तत्काल सपोर्टिंग रोल में एक्टर देखने को मिलेंगे, और अच्छी खासी एक्टर विलन के रूप में सोनू सूद देखने को मिलेंगे आपको। उसमें दमदार एक्शन सिनेमेटोग्राफी और सीक्वेंस फाइट सीक्वेंस लिए गए हैं, और एक बेहतरीन कहानी भी पेश की गई इस मूवी में। ये मूवी चाहे तेलुगु ऑडियंस को इतना पसंद नहीं आई थी, लेकिन हिंदी ऑडियंस काफ़ी पसंद आई थी। इस मूवी की स्टोरी लाइन की बात करें तो इसमें इस मूवी को पुलिस ऑफिसर जान निभा रहे हैं, जो कि प्रांतों का ही रहने देने प्रांतों का नंबर देते हैं, इसलिए लोग उनको एनकाउंटर संघर्ष के नाम से जानते हैं। वो उसका एनकाउंटर करते हैं, उनका ट्रांसफर इस जगह किया जाता है जहाँ क्राइम रेट काफ़ी बढ़ चुका है, और वहाँ आपको काफ़ी दमदार एक्शन देखने को मिलेगा। यह मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी। जो हमारी मूवी आती है 90 नंबर, उसका नाम ही अपोजिट, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे किच्चा सुदीप और उनके अपोजिट कमाला बोल। इस मूवी में आपको काफ़ी दमदार ड्रामा और एक्शन देखने को मिलेगा दोस्तों। इस मूवी में किच्चा सुदीप का दमदार और ड्रेसिंग लुक आपको देखने को मिलेंगे, जिसको देखने के बाद आपको उनके दीवाने हो जाएंगे। मूवी की स्टोरी लाइन की बात करें तो इसमें किच्चा सुदीप एक आर्मी ऑफिसर का किरदार निभाते हैं, जो अपने भाई का कातिलों का बदला लेने और उनसे बदला लेने उनका पता लगाने आते हैं। कहानी काफ़ी अच्छी है दोस्तों इस मूवी, और काफ़ी अच्छी मिलन यानी कि आपको रवि किशन देखने को मिलेंगे इसमें। और जो हमारी मूवी 8 नंबर होती है उसका नाम है सबके साथ, जो कि हाल ही में भी आई है हिंदी मूवी, और हाल ही में 2018 में रिलीज हुई थी साउथ मूवी। इस मूवी में आपको काफ़ी अच्छी कहानी पेश की गई है, और हिस्ट्री पेश की जाती है दमदार एक्टर आर माधवन भी आपको उसमें देखने को मिलते हैं, जिनकी एक्टिंग देखने के बाद आपको उनके दीवाने तो तारकी भी देख दे सकते हैं। इस मूवी के लास्ट के 30 मिनट आपको काफ़ी मज़ा देंगे, काफ़ी मजा आएगा उस मूवी में। पूरी मूवी की स्टोरी हो जाएंगी लास्ट के 30 मिनट आने के बाद उस मूवी के। इस मूवी में आपको नाग चैतन्य देखने को मिलेंगे, और उनके अपोजिट आपको इसमें नीति अग्रवाल देखने को, और इसमें आपको काफ़ी दमदार एक्शन देखने को मिलेगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा नागी चैतन्य की मूवी में। काफ़ी अच्छे नए फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलेंगे आपको इस मूवी में, और एक अच्छी खासी दमदार स्टोरी भी मिल जाएगी इस मूवी में आपको देखने को। और जिस मूवी को हमने 6 नंबर पर रखा उसका नाम है DJ, जिसमें आपको अल्लू अर्जुन देखने को मिलेंगे, और उनके अपोजिट आपको इसमें पूजा हेगड़े देखने को मिलेंगे, और भी सपोर्टिंग एक्टर काफ़ी अच्छे दमदार देखने को मिलेंगे आपको। काफ़ी भारी और सीक्वेंस एक्शन फिल्माया गया है इस मूवी में, और एक अच्छी खासी स्टोरी भी दी गई है इस मूवी को। ये तेलुगु और हिंदी ऑडियंस दोनों को काफ़ी पसंद आई थी ये मूवी, और काफ़ी ब्लॉकबस्टर रह चुकी है ये मूवी। और जो हमारी 5वें नंबर पर मूवी आती है उसका नाम है लेजेंड द टेरर, जिसमें आपको बालकृष्ण देखने को मिलेंगे। ये मूवी जब पहली बार कल टेलीविजन प्रेमी हुई थी, अब इस मूवी को मैंने देखा था तो हिल गया था। इसका एक्शन और फाइट सीक्वेंस देखे, काफ़ी दमदार एक्शन फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेगा था इस मूवी में। बियॉन्ड लिमिट फाइट सीक्वेंस था इस मूवी में, काफ़ी अच्छी से पेश की थी इस मूवी का एक्शन भी। जो हमारी मूवी आती है 5 नंबर पर उसका नाम है रेबल, जिसमें आपको प्रभास देखने को मिलेंगे, और उनके अपोजिट तमन्ना भाटिया आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी, और काफ़ी अच्छे दमदार सपोर्टिंग एक्टर भी आपको इस मूवी देखने को मिलेंगे, और काफ़ी भारी एक्शन सीक्वेंस मिलाया गया है इस मूवी में। इस मूवी में आपको रेबल लुक दिखाया जाता है प्रभास का, काफ़ी मज़ा आता है इस लुक को देखने में, काफ़ी भारी एक्शन है। लास्ट का क्लाइमेक्स फाइट तो आपको मज़ा दे देगी। जो 4th हमारी मूवी आती है उसका नाम है नानू पेरू सूर्या, यानी कि सूर्य एक ब्रेव सोल्जर के नाम से हिंदी में रखा गया था उसका, जिसमें आपको अल्लू अर्जुन देखने को मिलेंगे, उनके अपोजिट अनु हिमाली देखने को मिलेंगे। इसमें बेहतरीन एक्टर अर्जुन सरजा भी देखने को आपको इसमें मिलेंगे, इसमें आपको दमदार विलन भी देखने को मिलेंगे, और इस मूवी में आपको क्या फाइट दिखाई जाती है मज़ा आ जाएगा देख के। दमदार एक्शन और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ ये मूवी पेश की गई है, अल्लू अर्जुन का नया लुक देखने में आपको काफ़ी मजा आएगा इसमें।
और जिस मूवी को हमने अब थर्ड नंबर पे रखा है उस मूवी का नाम है खूंखार, जिसमें आपको बेलमगुना श्रीनिवास बकुल फिर से देखने को मिलेगी और उनके और प्रज्ञा जायसवाल भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी, और विलन के रूप में आपको इसमें जगपति बाबू देखने को मिलेंगे जो काफ़ी बेहतरीन एक्टर है, जिनकी एक्टिंग देख के काफ़ी मज़ा आ जाएगा आपको। इसमें बेहतरीन एक्शन का अलग है इस मूवी में, इस एक्शन को देखने के बाद हर कोई इस मूवी का फैन हो गया। इस मूवी के आने के बाद बेलमगुना श्रीनिवास की हिंदी डब ऑडियंस में काफ़ी अच्छी रिस्पेक्ट हो चुकी है। इस मूवी का एक्शन देखने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि बेलमगुना श्रीनिवास की हाइट और बॉडी पे वो एक्शन काफ़ी सूट कर रहा है। मूवी में दमदार तीन चार फाइटें दी गई है, आपको देखने के लिए मज़ा आएगा। और जो मूवी हमारे सेकेंड नंबर पर आती है उसका नाम है सितारा मन कल्याण, जिसमें काफ़ी एक्शन फिल्माया गया है, जिसमें आपको बेहतरीन एक्टर भी देखने को मिलेंगे। इस मूवी में आपको निखिल देखने को मिलेंगे जो कि आपको जैगुआर के नाम से जानते हैं इंडियंस उनको। इस मूवी के रिलीज होने से पहले ऐसा कहा जा रहा था कि ये मूवी सर नोडू की डुप्लीकेट है, क्योंकि इसमें सर नोडू का कुछ एक्शन फिल्माया गया था, लेकिन रिलीज होने के बाद पता चल गया है कि इसकी कहानी कुछ हटके है और इसमें एक्शन इतना फिल्माया नहीं गया है उससे। मूवी का दमदार एक्शन देखने में आपको काफ़ी मजा आएगा। और जो हमारी फर्स्ट नंबर पर हमारी मूवी आती है टॉप वन पे, उसका नाम है सरिंग नोडू, जिसमें आपको अल्लू अर्जुन देखने को मिलेंगे, उनके अपोजिट आपको इसमें रकुल प्रीत सिंह और कैथरीन ट्रेसा देखने को मिलेगी। एक अच्छी खासी लव स्टोरी एक्शन मूवी है, इसमें आपको दमदार से दमदार फाइट सीक्वेंस दिखाए जाते हैं, चाहे एंट्री फाइट सीन हो चाहे क्लाइमेक्स फाइट सीन हो, दमदार एक्टिंग के साथ इसमें अल्लू अर्जुन की डायलॉग डिलीवरी की गई है। तो यह मूवी आपको देखने में काफ़ी मज़ा आएगा, इस मूवी को जरूर देखना दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारा नई वीडियो मिल सके।